नमस्कार दोस्तों, मैं अमित और आपके हमारे चैनल टेक्नो पांचाल में फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर हो और साथ ही साथ में आप एक इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को भी यूज़ करते हो, तो गाइज आपने अपने यूट्यूब चैनल का जो लिंक है या फिर किसी एक वीडियो का लिंक है उसको आपने अपने इंस्टाग्राम के बायो में कॉपी पेस्ट तो कर रखा होगा कुछ इस तरीके से, और साथ में ये भी लिख रखा होगा कि सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल या फिर वॉच माई वीडियो। लेकिन जब कभी भी कोई भी इंस्टाग्राम का फॉलोवर उस लिंक पर क्लिक करता है तो वो आपके यूट्यूब चैनल या फिर आपकी जो यूट्यूब पर कोई भी वीडियो है उस पर रीडायरेक्ट तो हो जाता है, लेकिन वहाँ से वो आपके चैनल पे ना तो वो लाइक कर सकता है किसी एक वीडियो को, ना आपके चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। अगर वो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक भी करेगा तो उसे यहाँ पे ये आएगा कि वॉन्ट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, मतलब कि यूट्यूब उससे परमिशन मांगता है कि पहले आप इस पर साइन इन कीजिए फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइज इस तरीके से जो ये बायो का लिंक है इसका तो हमें कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, यहाँ से जो हमारे इतने सारे फॉलोवर्स हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं कर पाएंगे। तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप अपने यूट्यूब चैनल का जो लिंक है उसको कन्वर्ट करोगे डायनेमिक लिंक में, जिससे कि जब कभी भी कोई भी उस लिंक पर क्लिक करेगा तो वो उसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन में जाके ओपन होगा। अगर आप अपने फेसबुक पेज के लिंक को कन्वर्ट करोगे डायनेमिक लिंक में, तो जो लिंक यहाँ पर डालूंगा मैं, जो डायनेमिक लिंक क्रिएट होगी, तो जब कभी भी कोई डायनेमिक लिंक में क्रिएट करेगा तो वो उसी एप्लीकेशन में ओपन होगी। अगर फेसबुक की डायनेमिक लिंक है तो फेसबुक एप्लीकेशन में ओपन होगी, अगर वो यूट्यूब की डायनेमिक लिंक है तो वो डायरेक्टली यूट्यूब के एप्लीकेशन में ही ओपन होगी। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखा देता हूँ, मैंने अपने यूट्यूब चैनल के जो लिंक है उसको डायनेमिक लिंक में ऑलरेडी कन्वर्ट किया हुआ है। तो एडिट प्रोफाइल में जाते हैं गाइज, और यहाँ पे इस वेबसाइट को मैं हटा देता हूँ और मैं डायरेक्ट यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये मेरे यूट्यूब चैनल की डायनेमिक लिंक है, देखिए किस तरीके से वर्क करेगी। यहाँ पे ओके कर देता हूँ मैं ऊपर की तरफ। फिलहाल देखिए यहाँ पे दो एप्लीकेशन ओपन है, एक है इंस्टाग्राम एक है यूट्यूब, तो यूट्यूब को मैं हटा देता हूँ। सिर्फ अब सिर्फ यहाँ पे इंस्टाग्राम ओपन है तो इंस्टाग्राम पे ओपन करता हूँ। अब ये जो 5,235 जो फॉलोवर हैं इनमें से कोई भी इस लिंक पर क्लिक करता है या फिर इंस्टाग्राम पे कोई भी मेरी प्रोफाइल पे आता है और इस तरीके से देखता है सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और वो इस लिंक पे क्लिक करेगा तो वो रीडायरेक्ट होगा डायरेक्टली इंस्टाग्राम वो यूट्यूब वाले एप्लीकेशन में, देखिए कुछ इस तरीके से हो गया ना गाइस। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए एक डायनेमिक लिंक क्रिएट कर सकते हो और उस डायनेमिक लिंक को आप इंस्टाग्राम के बायो में यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। इसका फ़ायदा गाइस ये होगा कि जो आपके फॉलोवर्स हैं और जो नॉन फॉलोवर्स हैं जिन्होंने आपको फॉलो नहीं किया है या फिर वो आपकी प्रोफाइल को विजिट करते हैं इंस्टाग्राम पर, वो आपको यहाँ इंस्टाग्राम से बड़ी आसानी से फॉलो कर लेंगे, मतलब कि आपके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। तो गाइज अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल इस टेक्नो पांचल को सब्सक्राइब कर लेना है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके, और साथ में ही गाइज इस बेल आइकन पे जाके ऑल पे भी प्रेस कर दें, जिससे कि जब कभी मैं कोई इस तरह की टेक्निकल वीडियो आप लोगों के लिए लाऊं तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो गाइज आपको अपने यूट्यूब चैनल का डायनेमिक लिंक क्रिएट कैसे करना है, सबसे पहले गाइज आपको क्या करना है, क्रोम में आना है। क्रोम में आने के बाद में यहाँ पे ऊपर तीन डॉट मिलेंगे, इस तीन डॉट पे क्लिक करना है और इस डेस्कटॉप साइट पे ओपन करना है। गाइज आपके पास अगर फ़ोन है तो आप फ़ोन में कर लेना, मेरे पास लैपटॉप है, मैं आपको पूरा प्रोसेस लैपटॉप में करके दिखाता हूँ कि कैसे होगा ये आप ओके। अगर दोस्तों आपके पास भी एक YouTube चैनल है और आप ये चाहते हो कि उस YouTube चैनल के लिंक को कन्वर्ट किया जाए डायनेमिक लिंक से जिस तरीके से मैंने कर रखा है, जो मैंने अभी आपको फ़ोन में करके दिखाया, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना। इसका गाइज फ़ायदा यही होगा कि आपके जितने भी इंस्टाग्राम के फॉलोवर्स हैं या फिर नॉन फॉलोवर्स हैं वो डायरेक्टली उस लिंक पे क्लिक करेंगे यहाँ पे और वो डायरेक्टली ओपन होगा आपके YouTube के एप्लीकेशन में, बड़ी आसानी से वो आपके YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो सबसे पहले गाइज आपको करना क्या है, Google में आना है और इस तरीके से Google Firebase को लिख देना है। Google Firebase में जैसे ही आप लिखोगे तो कुछ इस तरीके का लोगो आएगा और यहाँ पे आपको पहले लिंक पे ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद में देखते हैं गाइज क्या आता है, नेट थोड़ा स्लो चल रहा है। यहाँ पे लिखा आएगा फायरबेस हेल्प यू टू बिल्ड एंड रन द सक्सेसफुल एप्स, यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है, लेकिन आपको उससे पहले जीमेल के अकाउंट में लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे लिखा रहा है वेलकम टू द फायरबेस और वेलकम टू फायरबेस में आ रहा है क्रिएट अ प्रोजेक्ट, क्रिएट अ प्रोजेक्ट पे आपको क्लिक करना है और आपका जो भी यूट्यूब चैनल हो उसका नाम लिख देना है, जैसे मेरा नाम है चैनल का टेक्नो पांचाल ओके, तो मैंने यहाँ पर टेक्नो पांचाल लिख दिया है, टेक्नो पांचाल लिख के कंटिन्यू कर दिया। फिर इस कंटिन्यू पर दोबारा से क्लिक करना है, सेलेक्ट एन अकाउंट पे जाके अमित पांचाल मैंने क्लिक कर दिया है और क्रिएट प्रोजेक्ट पे यहाँ पे क्लिक कर दिया। ये गाइस थोड़ा सा टाइम लेता है तो इसको लेने दीजिए, कुछ भी मत करना, बैक भी मत करना, रिफ्रेश भी मत करना ओके, ये एक मिनट तक का टाइम बड़ी आसानी से ले लेगा।
बस फिनिश अप लिखा आ रहा है, ये होने ही वाला है। ओके कंटिन्यू पे क्लिक करना है गाइस, जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है तो देखिए यहाँ पे मेरे यूट्यूब चैनल का नाम लिखा आ रहा है। इसके बाद में क्या करना है, ये एक लंबी सी लिस्ट आएगी, यहाँ पे नीचे आना है, डायनेमिक लिंक पे क्लिक करना है। डायनेमिक लिंक पे क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरीके से आएगा, डायनेमिक लिंक्स सेंड यूजर टू द राइट प्लेस इन योर ऐप वेदर और नॉट इट इज़ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। ओके तो यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको डोमेन लिखा आ रहा है, तो डोमेन में आपको क्या करना है, अपने चैनल का नेम लिख देना है। जैसे मेरा नाम है TECH टेक्नो PANCHAL, तो आपको बिना स्पेस के लिखना है ये। ओके बिना स्पेस के लिखने के बाद ये गूगल प्रोवाइडेड डोमेन्स आएंगे, इस पर क्लिक कर देना है, फिर कंटिन्यू करना है। यहाँ पे लिखा रहा है कि दिस नेम इज़ ऑलरेडी इन यूज़, तो आप कुछ भी 1, 2, 3 लिख देना, जैसे मैंने 1 लिख दिया। इसके बाद ओके कर देंगे या कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आ गया टेक्नो पांचाल 1.page.link हैज़ बीन वेरीफाइड एंड अप्रूव्ड फॉर यूज। फिनिश पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन न्यू डायनेमिक लिंक, तो न्यू डायनेमिक लिंक पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद में देखिए, इसके बाद में आप इसको कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे अपने हिसाब से जो भी है उसको वैसे ही रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये आ रहा है डीप लिंक URL। डीप लिंक URL में आपको क्या करना है, अपने यूट्यूब चैनल के लिंक को कॉपी पेस्ट कर देना है यहाँ पे। ओके इसके बाद में यहाँ पे आप नाम लिख देना अपने चैनल का, कोई भी या फिर कुछ भी लिख देना, लेकिन हो सके तो आप अपने चैनल का नेम ही लिखना। ओके टेक्नो पांचाल लिख दिया, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सबसे पहले पे टिक रहने देना, नेक्स्ट पे क्लिक करना, फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना और यहाँ पे क्रिएट कर देना। ओके क्रिएट कर दोगे तो इसके बाद में आपके यूट्यूब चैनल का जो लिंक अभी हमने पेस्ट किया था उसका डायनेमिक लिंक बन चुका है ये रहा। यहाँ से इसको कॉपी URL कर लेना और इसके बाद में आपको आना है बिटली पे। बिटली गाइस एक वेबसाइट है जो कि शॉर्टन वेबसाइट है, ये देखिए बिटली URL शॉर्टनर, इस पर गाइस क्लिक करता हूँ मैं। और यहाँ पे आपको आना है शॉर्टन योर लिंक, इस पर इसको पेस्ट कर देना है, शॉर्टन कर देना है। शॉर्टन करने के बाद में इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद गाइस मैं इसको नोटपैड की फाइल में पेस्ट कर रहा हूँ। ओके तो गाइज अब ये जो लिंक है ना, ये मेरे यूट्यूब चैनल का शॉर्टन URL है, मतलब शॉर्टन URL है, डायनेमिक लिंक का शॉर्टन URL है। इसको मैं अब आपके जो मेरा इंस्टाग्राम का प्रोफाइल है उसमें पेस्ट करूँगा और आपको यूट्यूब ऐप को डायरेक्टली ओपन करके दिखाऊँगा। तो गाइज ये वीडियो सिर्फ यहाँ तक, दोबारा से आते हैं फ़ोन की स्क्रीन पर। तो गाइज मैंने यहाँ पर एक लिंक बनाई थी अभी आपके सामने जो कि ये है। ओके अब इस लिंक को मैं कॉपी करूंगा इंस्टाग्राम में और फिर आपको ये दिखाऊंगा कि ये लिंक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो गाइस यहाँ पे इंस्टाग्राम पे चलते हैं और इंस्टाग्राम पे जाने के बाद में मैंने जो ये पहले डायनेमिक लिंक थी इसको हटा रहा हूँ। अब इस वाली लिंक को मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ https://, और bit.ly/3WKYAXC। ओके मैंने यहाँ पे ओके कर दिया है। तो गाइज अब ये मेरे यूट्यूब चैनल का एक डायनेमिक लिंक बन गया है। यहाँ पे देखिए फिलहाल मैं कौन कौन से एप्लीकेशन ओपन है, कैमरे को गाइज मैं हटा देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम और ये वो माइक एप्लीकेशन इंस्टॉल किया हुआ है। ओके तो यहाँ से अब इंस्टाग्राम को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे अब जब कभी भी ये इनमें से कोई सा भी फॉलोवर या नॉन फॉलोवर आएगा और इस लिंक पे क्लिक करेगा कुछ इस तरीके से, तो वो डायरेक्टली यूट्यूब के एप्लीकेशन में ही ओपन होगा। देखिए यहाँ पे आ गए यूट्यूब के एप्लीकेशन में और वो बड़ी आसानी से इस तरीके से क्लिक करके सब्सक्राइब भी कर लेगा और बेल आइकन पर जाके भी प्रेस कर देगा। तो गाइज आपको इस वीडियो से क्या समझ में आया या क्या समझ में नहीं आया, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बताना। और अगर आप यूट्यूब क्रिएटर हो, इस तरह की वीडियो चाहते हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। इस वीडियो पे गाइज सिर्फ और सिर्फ मैं 100 लाइक्स का टारगेट रखता हूँ, तो प्लीज़ कम से कम 100 लाइक कर देना, क्योंकि गाइज मुझे भी इनसे मोटिवेशन मिलती है। मैं फ़िलहाल गर्मी में बैठ के इस वीडियो को बना रहा हूँ, कंप्यूटर बहुत ओवरहीट हो रहा है। ओके और इस वीडियो के नीचे गाइज मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, तो प्लीज़ आप जाके उसे भी ज्वाइन कर लें। थैंक्स गाइज, लव यू एंड बाय।